उत्तराखंड की जनरल ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे नाराज होकर टिहरी जनपद के जनरल ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। टिहरी शाखा के जनरल ओबीसी के अध्यक्ष डीपी चमोली ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के संबंध में विगत कुछ माहों में राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए विपरीत निर्णयों को लेकर बिना कार्मिकों की सहमति के प्रतिमा वेतन कटौती विभागों में पदोन्नति ना किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी जनरल ओबीसी के अध्यक्ष के रूप में आरोप पत्र देकर चिन्हित किया जाना किसी सोची समझी साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चला और कहीं ना कहीं उस आंदोलन में कर्मचारियों की जो मांगों के संबंध में सरकार के द्वारा बहुत देर से निर्णय लेने की का जो काम किया गया और आंदोलन में तो आपको भी पता है कि अपने मांगों के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से एक संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने आंदोलन चलाया तो कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध भी कुछ टिप्पणियाँ की जाती अपनी मांगों के लिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कर्मचारी हितों के लिए कुछ जो बातें करी होंगी तो संवर्ग के हित के लिए थी, संगठन के हित के लिए थी।